भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, जो आज दुनिया भर में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। इनमें से कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एक्ट्रेसेस ने हिंदी धारावाहिकों में ही अपना जलवा बिखेरा है। कई एक्ट्रेसेस भोजपुरी फिल्मों से हिंदी धारावाहिकों में आई, तो कई ऐसी भी रही जो हिंदी धारावाहिक करने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर चली गई और अब वहां राज कर रही हैं। आइए जानते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल। रश्मि देसाई। टीवी सीरियल उतरन से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपने शुरुआती करियर में गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। रश्मि ने कई भोजपुरी फिल्में जैसे बम्बई की लैला छपरा का छैला, तोसे प्यार बा, बलमा बड़ा नादान, प्यार जब केहू से होई जाला और कब होई गवनबा हमार फिल्मों में काम किया है। इसके बाद वो हिंदी सीरियल में कई बड़े बड़े किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। श्वेता तिवारी। हिंदी धारावाहिकों की सबसे हिट एक्ट्रेस में से एक हैं श्वेता तिवारी। श्वेता भी एक फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस ही हैं। श्वेता ने हिंदुस्तानी सैया हमार और एई भोजी की सिस्टर जैसी कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद श्वेता ने टेलीविजन इंडस्ट्री पर भी राज किया। मोनालिसा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। मोनालिसा के खाते में 125 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्में में काम करने का तजुर्बा है। भोजपुरी के अलावा मोनालिसा ने हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा और धारावाहिक में भी काम किया है। अपनी मेहनत के दम पर मोनालिसा आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। निधि झा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी एक्ट्रेस निधि झा डॉक्टर बनना चाहती थी, पर किस्मत से वह फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गई। भोजपुरी में आने से पहले उन्होंने टीवी धारावाहिक भी किए। निधि टीवी पर बालिका वधु से फेमस हुई, फिर वो सपने सुहाने लड़कपन के में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा निधि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और आहट जैसे शोज भी कर चुकी है। वहीं इन दिनों निधि भोजपुरी इंडस्ट्री में जमकर छाई हुई है। उन्हें फैंस लूलिया के नाम से जानते हैं। आम्रपाली दुबे। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में फिलहाल जिस हीरोइन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और जिनकी खूबसूरती और लटके झटके पर लाखों फैंस का दिल दीवाना होता है, उनका नाम है आम्रपाली दुबे। साल 2008 में जी टीवी के बेहद पॉपुलर सीरियल सात फेरे से आम्रपाली दुबे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्रेक मिला और फिर साल 2009 से 10 के दौरान आम्रपाली दुबे ने मायका, रहना है तेरी पलकों की छांव में और मेरा नाम करेगी रोशन जैसे धारावाहिकों में काम किया। बाद में आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई और अब वो वहां राज करती हैं। अक्षरा सिंह। भोजपुरी की नामचीन अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह। भोजपुरी फिल्मों के अलावा अक्षरा हिंदी टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। जी टीवी का बेगूसराय उनका हिट शो है। अक्षरा ने काला टीका, सूर्यपुत्र करण और सर्विस वाली बहू जैसे सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में करियर की शुरुआत 2011 में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म से की थी। अक्षरा सिंह की जोड़ी पवन सिंह के साथ काफी हिट रही। उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ भी कई सफल फिल्में दी हैं। अक्षरा गाने भी गाती हैं और यूट्यूब पर उनके एल्बम खासा मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।